छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नवयुवकों ने एक अनूठी पहल करते हुए इको टूरिज्म के माध्यम से ट्रैकिंग कराते हुए छत्तीसगढ़ के धरोहर में एक देवपांडुम के हसीन वादियां, पहाड़, झरना, दार्शनिक स्थल को अपने पारंगत कौशल और इतिहास, विज्ञान के भौतिक सत्यापन सहित गाँव वालों के साथ मिलकर अद्भुत नजारों को दिखाया है और महसूस करवाया है कि यह क्षेत्र काफी आकर्षक है। साथ ही ज्ञानवर्धक जानकारी में भी बताया कि हमारे पूर्वज कितने पर्यावरण प्रेमी थे, तो वहीं प्रकृति के छटा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लगभग 30 सदस्यों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बालोद जिला में अनेक पर्यटन स्थल है जिसे गाइड के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बालोद जिला के भौगोलिक दृष्टि लहरदार होने के साथ साथ पहाड़, जंगल, झरना से आच्छादित करता है, तो वहीं पर्यटन के हिसाब से विकास के मामलों में भी अनेक संभावना है जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। जगह तो बहुत अच्छा है और लोगों की पहुंच में है तो सही, लेकिन हमने जो यहाँ के लोगों को टूरिज़्म के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसके लिए गांव के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हम मांग करेंगे तो बनेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर गांव के लोग सामूहिक रूप से अगर प्रेरित करेंगे सभी को कि भाई इस तरफ हमारे देव जगह हैं, हमारे प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, तो उसके लिए जब हम शासन के पास जाएंगे, बातों को रखेंगे, तो एक सामूहिक प्रयास से आवाजाही के लिए बहुत अच्छा एक उपाय सरकार की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से हमको मिल सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। आज जो है हम लोग बालोद इको टूरिज़्म का शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग गाँव वालों को साथ में लेकर के जहाँ भी हमारे बालोद जिले में पर्यटक स्थल है वहाँ पर हम लोग पर्यटक लेकर के जाएंगे और उनको घुमाने का और उनको खिलाने पिलाने का जो भी काम है वो पूरा गाँव वाले करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश से शुरू से ब्लॉगर हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ लगभग कवर किया हूँ, घूमा हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे बालोद जिला किसी भी जिला से जो है कम नहीं है। यहाँ पर्यटक के बहुत सारे मतलब कि एक तरह देखा जगहें हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम युवाएं हैं, हमारे दलित राज्य के बहुत सारे जो युवा हैं, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ही इस कार्य को करें, तो इसलिए हम जो है देव पांडू को अभी जो है आज हमारा पत्रकार भाई लोग यहाँ पर आए और सब